तो भारत में पिछले वर्ष फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस अभियान की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे लोगों से बात की जो फिटनेस के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, ताकि देश के लोग फिट रहने का मंत्र मुफ्त में पा सके। नए जूते, नए कपड़े और जिनकी मेंबरशिप लेने के बाद एक्सरसाइज शुरू करने वालों को आज देश के 7 फिटनेस एक्सपर्ट ने क्या नया सबक सिखाया, आप भी देखिए। सत्तर वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने योग करते तो देखा होगा, लगातार काम करते भी देखा होगा। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए देश की जनता को फिट रहने का मुफ्त परामर्श दिया। एक घंटे 15 मिनट की इस बातचीत में किसी ने भी फिट रहने के लिए जिम जाने, कैलोरीज घटाने और हेल्थ फूड खाने जैसी बातें नहीं की। फिट रहने को जीवन शैली बनाने पर जोर दिया। 55 वर्ष के मिलिंद सोमन ने बताया कि वो कभी जिम नहीं जाते। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं कभी मशीन यूज नहीं करता। अभी स्पोर्ट्स के लिए वो यूजफुल होता है जब आप कंपटीशन में होते हो, लेकिन अगर सामान्य रूप से आपको अगर फिट रहना है और हेल्दी बनना है तो आप घर पे भी आसान चीजों को लेके आप फिट और हेल्दी बन सकते हो। मैं लोगों से यही कहता हूं कि मैं घर पे 8 फुट बाय 10 फुट की जगह में मैं फिट रह सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलिंद सोमन को बताया कि वो उनकी मां के एक्सरसाइज वाले वीडियो को कई बार देख चुके हैं, जिससे उन्हें फिट रहने की प्रेरणा मिलती है। मिलिंद सोमन की मां उषा सोमन 81 वर्ष की हैं। ये वीडियो उन्होंने इसी वर्ष अपने जन्मदिन पर 3 जुलाई को बनाया था। पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से उनकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस के बारे में भी सवाल किए, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी पीएम मोदी ने ये जानने में दिखाई कि योयो टेस्ट क्या होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए 2018 में योयो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया था। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है, क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है? क्या आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या 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 करना पड़ता है? सर, टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूं, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूं। योयो टेस्ट को बीप टेस्ट या पेसर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट खिलाड़ियों की फिटनेस और स्टेमिना चेक करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर कोन रखे होते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को दौड़ना होता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को 16.1 का स्कोर पार करना होता है। सभी देशों में ये सबसे कम मानक है। ऑस्ट्रेलिया में इस टेस्ट को पास करने के लिए 20.1 का स्कोर पार करना होता है, जो सबसे ज्यादा है। योयो टेस्ट को डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट जेंस बैंक्समो ने बनाया था। फुटबॉल और हॉकी के बाद इसे क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए जरूरी कर दिया गया। भारत में यह टेस्ट नेशनल टेस्ट एकेडमी बेंगलुरु में किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपनी हेल्थ रेसिपी भी शेयर की। न्यूट्रिशनिस्ट रुजिता दिवाकर ने कहा, घर का ताजा खाना और घी सेहतमंद बना सकता है। तो पीएम ने बताया कि सेहतमंद खाने की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिलती है। आप भी सोचते होंगे कि पीएम मोदी खाते क्या हैं? ये राज उन्होंने खुद ही खोला। मैं मेरी मां से कोशिश करता हूं हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए,
और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है और आपने हैशटैग की चर्चा की है तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। ड्रमस्टिक्स को पूर्वी उत्तर प्रदेश में सहजन और गुजरात में मोरिंगा कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जल्द ही ड्रमस्टिक्स के पराठे की रेसिपी भी देश को बताएंगे। ड्रमस्टिक्स में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार ये है कि आपको बैक टू बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है। जिम में पसीना बहाने की जगह अगर लोग अपना काम खुद करने लगे, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, अपने कपड़े खुद धोएं, अपने घर की साफ सफाई स्वयं करने लगे, तो ना अलग से वक्त निकालना पड़ेगा और ना ही फिटनेस के नाम पर जिम जाने या महंगे जूते खरीदने की जरूरत पड़ेगी। फिटनेस रहने के ये तरीके किफायती भी हैं और कारगर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।